Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on Kirchhoff's law. ठीक है, हमारा पैटर्न जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? एक टॉपिक, उसके बाद न्यूमेरिकल्स. तो टॉपिक खत्म हुआ किरचॉफ्स लॉ, उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं किरचॉफ्स लॉ के, ठीक ना? और इसमें हम सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ. लेट्स सी फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट नेटवर्क पी क्यू आर इज मेड एज अंडर पी क्यू हैज अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विद पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी क्यू आर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम पी एस हैज अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विद पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी पी आर एस हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम इफ अ मिलीमीटर of 20 ohm resistance is connected between P and R. Between P and R, calculate the reading of milliammeter. Milliammeter का मैं reading find out करना है. तो let's see कि इस तरीके का हमारे पास एक circuit है. सॉरी, यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे एक मिलीमीटर कनेक्टेड है और इस मिलीमीटर का एक रेजिस्टेंस गिवन है और यहाँ पे भी एक बैटरी कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक, ये नेटवर्क गिवन है. इसमें हमें करंट फाइंड आउट करना है. किसमें? ये अमीटर है. यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है? अमीटर है. इस अमीटर में करंट फाइंड आउट करना है. चलो, यहाँ पे बैटरी दे रखा है, ये 5 वोल्ट का और ये 4 वोल्ट का. दिस इज 4 वोल्ट, ये हमारा 5 वोल्ट की बैटरी है. रेजिस्टेंस गिवन है ये 20 ओम का, ये 200 ओम का और दिस इज 60 ओम. ये जो है आपका कितना है? 60 ओम का रेजिस्टेंस. क्लियर ना? तो यहां पे सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें करंट ड्रॉ करना होगा. क्या ड्रॉ करना होगा? करंट ड्रॉ करना होगा. ठीक है, तो करंट हम यहां से ड्रॉ करते हैं. तो सिंपली ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है या सेल कह सकते हैं. तो यहां पे जब भी हम करंट ड्रॉ करेंगे तो करंट ड्रॉ करते टाइम दो चीज आपको याद रखना है. यू मस्ट रिमेंबर द टू पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज दैट करंट, नंबर ऑफ करंट विल बी मिनिमम. जो हम करंट ड्रॉ करेंगे तो करंट को जो हम लेंगे यहां पे ड्रॉ करेंगे तो करंट जो है मिनिमम से, नंबर ऑफ करंट जो है क्या होना चाहिए? मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए. मतलब I1, I2 एंड I3 से हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो I1, I2 एंड I3 जो नंबर है करंट की वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए. सेकंड पॉइंट कि हर एक ब्रांच में करंट जो है आपका सेम होना चाहिए. किसी भी ब्रांच में करंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक ब्रांच में करंट क्या होता है? सेम होता है. तो लेट्स सी कि यहां से हम लेट कर लेते हैं. इस बैटरी से हमें करंट मिला I1, इस बैटरी से हमें करंट मिला I2, यहां से आया I1, यहां से आया, तो ये हमारा जंक्शन बन गया. तो इस जंक्शन में हम यूज करेंगे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ. ये करंट आया, ये करंट आया, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो आउटगोइंग करंट कितना हो गया इसमें? I1 प्लस I2. इसमें I3 नहीं दिखाएंगे. ठीक है, तो मिनिमम कितने हो गए? 1 एंड 2. क्योंकि जब मिनिमम नंबर ऑफ करंट्स होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए ओनली, जैसे हमारे पास 2 करंट है I1 एंड I2, तो इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होंगे. अगर हमने I1, I2 एंड I3 ले लेते 3 वेरिएबल्स हो जाएगा, तो उस कंडीशन में 3 इक्वेशन चाहिए. तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये रहती है कि नंबर ऑफ करंट जो है वो मिनिमम से मिनिमम. क्लियर? तो इस पूरे ब्रांच में करंट जो है I1 प्लस I2 हो जाएगा. अब यहां से I1 प्लस I2, तो इस वाले ब्रांच में करंट जाएगा I1 और इस वाले ब्रांच में करंट जाएगा I2. तो इस पूरे ब्रांच में करंट है I2, इस पूरे ब्रांच में करंट है I1 प्लस I2 और इस पूरे ब्रांच में करंट है I1. क्लियर है?
नाउ इसका नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और ये एस। तो इसमें सबसे पहले टू क्लोज लूप ले लेते हैं, क्लोज लूप इन क्लोज लूप। देखिए क्लोज लूप क्या क्या लेते हैं, पी आर एस पी चलेगा, पी आर एस पी इन क्लोज लूप, पी आर एस पी। इसमें हम यूज करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ, वाई किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक ना। किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करेंगे तो किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल ड्रॉप का, जो पोटेंशियल ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम जो है वो कितना होता है, जीरो होता है। इट मींस समेशन ऑफ ई माइनस समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो। ये वाला कांसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। पी से चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए पी से हम गए आर की तरफ, करंट डायरेक्शन में, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड दैट इज इक्वल टू 20, रेजिस्टेंस है, करंट है आई1 प्लस आई2, तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट 20 इनटू आई1 प्लस आई2, बहुत बढ़िया। अच्छा अब यहां पे गए आर से एस की तरफ जाएंगे, इस तरीके से हम घूम रहे हैं यहां पे, तो हम करंट के डायरेक्शन में है आई2 इनटू 200, आई2 इनटू 200, ठीक है। नेक्स्ट इस बैटरी में आता है, सेल में आती है नेगेटिव और पॉजिटिव। सेल में अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ये वाला कंडीशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले कंडीशन में लोअर पोटेंशियल से हायर में जाएंगे नेगेटिव, हायर टू लोअर जाएंगे तो पॉजिटिव, क्या जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आई1 प्लस 20 आई2 प्लस 200 आई2 इज इक्वल टू 5। देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे, योर 20 आई1 प्लस 220 I2 is equal to 5, equation 5 से divide हुआ, 5 से divide कर दो, या तो इसको ऐसे रख देते हो, equation number first, now, in second closed loop लेते हैं, क्या, PR, Q, P, देखो ये वाला second loop, P, R, Q, P, इसमें भी हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो P से R की तरफ जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू 20 I1 प्लस I2, ठीक, माइनस सॉरी प्लस, अगर यहां पे R से Q की तरफ आएंगे करंट के डायरेक्शन में तो इसके प्लस पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा, दैट इज 60 I1 इज इक्वल माइनस। अब यहां पे q से p की तरफ आएंगे तो इस सेल में देखेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। नाउ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 i1 प्लस 20 i2 प्लस 60 i1 इज इक्वल टू 4, 4 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 80 I1 plus 20 I2 is equal to 4, this is equation number second। अब हमारे पास दो equation है, दोनों equation को solve करके हमें क्या निकालना है, current का value निकालना है, तो ये 20 ये 80, इसमें हम क्या करते हैं 4 से multiply कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे operation करेंगे equation first into 4 minus equation second, 4 से multiply करो 80 I1 plus 4 से multiply करेंगे तो ये आएगा आपका, यह जाएगा 880 I2 is equal to 20, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और ये इक्वेशन जो 80 I1 plus 20 I2 is equal to 4, इक्वेशन को माइनस करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 860 I2 is equal to, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 16, then I2 is equal to what, I2 is equal to 16 by 860, तो ये 2 से डिवाइड होगा,
फोर थ्री जीरो, फिर टू से डिवाइड होगा फोर, ये जाएगा आपका टू वन फाइव, क्या आएगा फोर बाय टू वन फाइव एम्पियर। अब आई टू का वैल्यू कहीं पे भी इसको रिप्लेस करते हैं इस वाली इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे आई टू का वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो ए टी प्लस आई वन, सॉरी ए टी इंटू आई वन प्लस ट्वेंटी इंटू आई टू फोर बाय टू हंड्रेड फिफ्टी इज इक्वल टू फोर, इज इक्वल टू फोर, देखिए फाइव से डिवाइड हो जाएगा, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव थ्री जा, ठीक है। तो एटी आई वन इज इक्वल टू देखिए फोर माइनस इसको दे भेजेंगे फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन बाय फोर्टी थ्री, इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये बट सेवन टू वन हंड्रेड सेवेंटी टू, वन हंड्रेड सेवेंटी टू माइनस सिक्सटी बाय फोर्टी थ्री, देन आई वन इज इक्वल टू वॉट, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो आएगा वन हंड्रेड सिक्सटी फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाय एटी से डिवाइड बाय जाएगा इंटू फोर्टी थ्री, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो फोर से, फोर से डिवाइड होगा फोर, हाँ फोर से डिवाइड हो जाएगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व बचा कितना थ्री थर्टी सिक्स, फोर नाइन जा, फोर नाइन जा थर्टी सिक्स एंड फोर ट्वेंटी से डिवाइड हो गई, तो जाएगा थर्टी नाइन डिवाइड बाय इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर एट सिक्स एट कितना आएगा एट हंड्रेड सिक्सटी, एट हंड्रेड सिक्सटी। देन करेंट, इसमें कितना करंट है, रीडिंग ऑफ, रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर का रीडिंग कितना होगा आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू, द वैल्यू ऑफ आई वन, आई वन का वैल्यू लिखेंगे यहां पे, इसको लेते हैं कि यहां पे 860 है, यहां पे भी बेस में कितना 860 है, तो अगर इक्वेशन लेते हैं तो 16 बाय 860 प्लस 39 बाय 860 ऐड कर देंगे इसको तो आएगा 4555 बाय 860 एम्पीयर, इसको डिवाइड करके लिख देना, ठीक है। तो जो मिली एमीटर है, मिली एमीटर का जो रीडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 55 बाय 860 एम्पीयर। तो इस तरीके से हम किरचॉफ्स के सेकंड लॉ का हेल्प करके किसी भी सर्किट को या किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक दो क्वेश्चन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज using Kirchhoff's law in the electric network, electric network shown in figure 3.184 calculate the value of I1, I2 and I3। देखिए एक सिंपल सा यहाँ पे सर्किट है, ठीक है, इसके साथ दो सेल कनेक्टेड हैं 12 एंड 6 वोल्ट का, यह है 12 वोल्ट का और यहां पे एक सेल कनेक्टेड है, यह है हमारा 6 वोल्ट का, ठीक, दिस इज 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 5 2 एंड 3, यह है 5 2 एंड 3 ओम, इसमें करंट है I1, I3 एंड I2, नहीं इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2 और इसमें करंट है I3, ठीक है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ लॉ का यूज करके इसमें हमें वैल्यू निकालना है I1, I2 एंड I3 का। नाउ दिस पॉइंट इज अ जंक्शन, इसमें हम नेमिंग करते हैं ए
बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो इसमें अगर हम जंक्शन का यूज करते हैं तो बी इज अ जंक्शन एंड ई इज ऑल्सो जंक्शन। तो जंक्शन पे हम ये बता सकते हैं कि आई थ्री जो है वो आया आई वन प्लस आई टू के ऊपर, क्योंकि यहां से करंट आया आई वन, यहां से करंट आया आई टू, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट है आई वन प्लस आई टू एंड आउटगोइंग करंट है आई थ्री। तो इनकमिंग करंट सॉरी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये आपस में क्या जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट नेटवर्क, इस वाले फर्स्ट नेटवर्क में हम किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं और इस वाले नेटवर्क पे भी हम किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ इन अ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप देखो नेमिंग करते हैं ए बी ई एफ ए, क्या है ए बी ई एफ ए। इस वाले नेटवर्क में ए टू बी गए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो। B to E आए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है करंट के डायरेक्शन में, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा 2I3, 2I3। Now E से F गए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो। यहाँ पे जाएंगे सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, माइनस ऑफ 12, माइनस ऑफ 12। एंड इस रेजिस्टेंस में जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, 5 ऑफ I1 इज इक्वल टू 5 of I1 is equal to 0, ठीक है? 2, I3 का वैल्यू लिख सकते हैं I1 plus I2 plus 5 I1 is equal to 12। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो 2 I1 plus 5 I1 that is equal to 7 I1 plus 2 I2 is equal to 12। This is equation number first। And second loop में and in second क्लोज्ड लूप कौन सा बी सी, बी सी डी ई बी, क्या है बी सी डी ई बी। देखिए इसमें चलेंगे तो बी टू सी जाए पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, रेजिस्टेंस नहीं है। सी से डी की तरफ आएंगे तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस के प्लस पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा क्योंकि करंट के अपोजिट आ रहा है। हम यहां पे कहां मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं करंट के अपोजिट में, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, तो माइनस थ्री ऑफ आई टू, माइनस थ्री ऑफ आई टू। नाउ इस सेल में पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू 6 प्लस, ये D to E जाते हैं कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, E से B जाएंगे करंट के अपोजिट, अगेन यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव माइनस थ्री सॉरी टू, माइनस टू आई थ्री इज इक्वल टू व्हाट जीरो, इज इक्वल टू जीरो। देन सिक्स इज इक्वल टू इन दोनों के दरमियान देते हैं तो थ्री आई टू प्लस टू आई थ्री आई वन प्लस आई टू। नाउ थ्री आई टू प्लस टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू और थ्री फाइव, तो टू आई वन प्लस फाइव आई टू, तीनों में कितना जाएगा पांच, फाइव आई टू। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन में हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देन इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय फाइव माइनस इक्वेशन सेकेंड इज मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है। फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 आई वन प्लस 10 आई टू इज इक्वल टू 60, 12 फाइव जा 60। नाउ इस इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 आई वन प्लस 10 आई टू इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12, 6 टू जा 12 नहीं माइनस 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 क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, इसमें से तो माइनस करेंगे तो 31 आई वन इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 42 सॉरी 48 कितना जाएगा 48 50 और 50 एंड 60 सही है 48 आ जाएगा। तो यहाँ से आई वन आ जाएगा हमारा करेंट, आई वन इज इक्वल टू 48 बाय 31। नाउ आई वन का वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं किसमें, सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। तो फ्रॉम
सेकेंड इक्वेशन इसके बारे में देखेंगे, तो 2 × 48/31 + 5i2 = 6 = 6 इसको रिप्लेस करते हैं तो 5i2 = 6 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 96/31 31 का तो मल्टीप्लाई जाएगा तो 31 6 186 माइनस 96 डिवाइड बाय 31 और ये जो 5 है इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगा दैट इज 5 इसलिए इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा आपका 90 कितना जाएगा 90 बाय 31 × 5 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 और जो 5 बचेगा कितना 445 8 जो 40 बाय 31 देन i2 का वैल्यू है 18 बाय 31 I2 का वैल्यू है 48/31 देन I3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा I1 + I2 एंड दैट इज इक्वल टू 48/31 + 18/31 एलसीएम 31 हो जाएगा इसको ऐड कर देंगे तो 58 + 8 = 66/31 एम्पियर ये भी हमारा किस में होगा एम्पियर में ये भी हमारा एम्पियर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच cell and the rate of energy dissipated in R. ठीक हो गया तो यहां पे सिंपल सा सर्किट है वन सेल इज गिवन हियर एंड इसका रेजिस्टेंस गिवन है इंटरनल रेजिस्टेंस और यहां पे एक रेजिस्टेंस है R ठीक है और इसके साथ यहां पे एक और सेल दे रखा है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इस तरीके का एक सर्किट हमारे पास गिवन है ये 3 वोल्ट 12 वोल्ट का ये 6 वोल्ट का ये 12 वोल्ट 2 ओम ये 6 वोल्ट 1 ओम और यहां पे R = 4 ओम हमें कैलकुलेट करना है ईच सेल का पोटेंशियल ड्रॉप मतलब इस सेल के पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप है इसके पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का रेजिस्टेंस ये कितना कितना हीट डिसिपेटेड करता है कितना हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकंड वो हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है इसके लिए हमें इसमें करंट चाहिए इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो रहा है वो कैलकुलेट करना है अगर करंट कैलकुलेट कर लेंगे तो हीट इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो लाओ नाउ लेट्स सी ये हो गया पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ ठीक है ए बी सी डी इन एफ इस सेल से कनेक्ट करते हैं करंट मिला हमें I1 तो यहां से I1 करंट आया इस सेल से भी मिला करंट I2 तो यहां से I2 करंट आया तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट दैट इज I1 + I2 तो अगेन यहां पे आके यहां पे करंट क्या हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा यहां पे चला जाएगा I1 और इसमें चला जाएगा I2 क्योंकि इस ब्रांच में करंट I2 है उस ब्रांच में करंट कितना है I1 तो सबसे पहले आपको करंट ड्रॉ करना आना चाहिए तो जितने भी सेल कनेक्टेड होंगे सारे सेल से ले लो I1 I2 दो या तीन सेल्स कनेक्टेड होंगे ठीक है क्लियर है तो अब इस वाले लूप में हम इस तरीके से चलते हैं और इस वाले लूप में हम इस तरीके से ही चलते हैं ठीक है तो इन क्लोज्ड लूप नेमिंग ए बी सी डी ए बी सी डी ई क्लोज लूप किसे ए बी सी डी ए से बी की तरफ मूव करते हैं करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव तो 4 I1 + I2 बी से सी कोई रेजिस्टेंस नहीं पोटेंशियल ड्रॉप 0 सी टू डी आएंगे करंट के डायरेक्शन में यहां पे करंट इस डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप
पॉजिटिव देन 2i1 n प्लस सॉरी सेल में देखेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव माइनस इज 12 इज इक्वल टू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 6 तो 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 12 इक्वेशन डिवाइड हो रहा है कैसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाउ सेकंड लूप सेकंड क्लोज लूप की अगर बात करते हैं कौन से लूप ए ई एफ बी ए क्या ए ई इसमें इस तरीके से चलते करंट की डायरेक्शन में चलते हैं ठीक है इस तरीके से चलते हैं तो लूप का नेम लिखते हैं ए बी एफ ई ए बी एफ ई ए ठीक है फिर करंट की डायरेक्शन चलेंगे ए टू बी पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव तो 4i1 प्लस i2 बी टू एफ आएंगे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जीरो जाएगा एफ टू ई आएंगे करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव तो प्लस आई टू क्योंकि यहाँ पे 1 है 1 इंटू आई टू तो जाएगा आपका आई टू और इस सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे तो यह जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ 6 इज इक्वल टू 0 ठीक है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4i1 प्लस 4i2 प्लस i2 इज इक्वल टू 6 तो 4i1 इसको ऐड कर देंगे तो प्लस 5i2 इज इक्वल टू 6 दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हम क्या करना है हमें सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे तो इस वाले इक्वेशन में अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन फर्स्ट इनटू 5 माइनस इक्वेशन सेकंड इनटू 2 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 13 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टू 8 i1 प्लस 10 i2 इज इक्वल टू 12 ठीक है माइनस करेंगे तो माइनस 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 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 15 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 7 i1 एंड 30 में से 12 माइनस करेंगे दैट इज 18 कितना जाएगा 18 हो जाएगा देन i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 18/7 एंपियर i1 का वैल्यू रिप्लेस करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में इसमें भी रख देते हैं फर्स्ट में यूज करते हैं यू नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इस वाले इक्वेशन में i1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देन 3 into 18 by 7 प्लस 2i2 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6 देन 2i2 इज इक्वल टू 6 माइनस 18 3 जा 54/7 18 3 जा कितना है 54 30 में से 12 माइनस करेंगे आपको कितना जाएगा सही है ठीक है क्लियर नाउ अब i2 इज इक्वल टू व्हाट इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे 42 माइनस 54 बाय 7 2 के डिवाइड बन जाएगा तो 54 में से 42 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू 14 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 6/7 एम्पियर यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो करंट i2 को ड्रॉ किया था ये करंट इस डायरेक्शन में ना पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा कहा जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ठीक है तो जब भी हम करंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन मायने नहीं रखता है अगर डायरेक्शन गलत होगा सर्किट में अगर मानते हैं गलत डायरेक्शन में शो कर दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर जो है आपका नेगेटिव में जाएगा ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा यहाँ पे कि करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में क्लियर है तो i2 का वैल्यू 6/7 हो गया i1 का वैल्यू हमारा कितना हो गया i1 का वैल्यू हो गया कितना 18/7 एंड लेट्स सपोज कि इसमें i करंट है देन i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 देन i1 इज इक्वल टू 18/7 माइनस i2 का वैल्यू 6/7 18 में से 6 माइनस करेंगे तो 12/7 एंपियर अब इसमें करंट आ गया अब सेल फर्स्ट सेल सेकंड
के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो वो निकालते हैं देखिए कैसे, टर्मिनल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल फर्स्ट, सेल फर्स्ट के अक्रॉस डिफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी वन इज इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन, कितना है इसमें करंट आई वन है ना, आई वन आर क्या जाएगा आई वन आर, ठीक है क्लियर है। नाउ ई वन, ई वन इज व्हाट 12 देन माइनस आई वन, आई वन का वैल्यू कितना है हमारे पास आया था, हाँ ये 18 बाय 7, तो 18 बाय 7 इनटू आर वन का वैल्यू जो है कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, तो जाएगा 12 7 जाए 84 ऐसे में 12 7 जाए 84 माइनस 18 टू जाए 36 बाय 7, अब इसको कैलकुलेट करते हैं 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, तो 48 बाय 7 डिवाइड कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल टू, सेल टू के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी टू इज इक्वल टू ई टू माइनस आई टू आर टू, ई टू इज व्हाट 6 माइनस आई टू इज व्हाट माइनस का 6 तो माइनस माइनस प्लस देन 6 बाय 7, तो यहां पे वैल्यू माइनस में रखी है, ठीक है माइनस 6 बाय 7 इनटू आर टू इज व्हाट आर टू इज इक्वल टू 1, आर टू इज इक्वल टू 1, तो ये जाएगा हमारा 6 7 जो 42, 42 प्लस 6 बाय 7 इज इक्वल टू 48 बाय 7 वोल्ट। देखेंगे तो दोनों का जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है, क्यों इक्वल है रीजन मैं बताता हूं यहां पे, देखिए इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 48 बाय 7 है, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना 48 बाय 7 है, रीजन इसका ये है कि ये दोनों सेल जो है इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है और ये दोनों सेल जो है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है सेम होता है, ठीक है। अच्छा अब आर में कितना कितना हीट डिसिपेट करेगा ये तो वो देखते हैं, ठीक है देन हीट हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस आर चलो पर सेकेंड इन पर सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो देखते हैं, तो h इज इक्वल टू जाएगा i स्क्वायर r, t होता है t इज इक्वल टू कितना लेंगे 1 ले लेंगे देन i स्क्वायर r देन i स्क्वायर इज व्हाट i इज इक्वल टू व्हाट कितना था i 12 बाय 7 कितना था 12 बाय 7, ठीक है तो 12 बाय 7 का स्क्वायर देन 12 बाय 7 इनटू r, r इज व्हाट 4, तो 12 इनटू 12 144 इनटू 4 by 49 multiply कर देंगे 6 7 4 5 49 कितना जूल पर सेकंड, मतलब पर सेकंड जो है इतना जूल की एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक चाहे तो आप यहां पे डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं, तो इतना जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा पर सेकंड, ठीक है क्लियर है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे से डाउट सेशन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।